Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर फौजिया एंड फूड कॉर्नर। आज है रमज़ान का 6th डे और आज इफ्तारी में बन रहे हैं छोले और अंडे के भजिए। इन दोनों को मैंने साथ में ही सीटी लगा दी थी। अंडे को हम लोग ने अच्छे से वॉश कर लिए थे और फिर इसको सीटी लगाए। अभी हम फ्राई कर लेंगे अनियंस को। और फिर इसे एक मिक्सर के जार में पीस लेंगे। ये टमाटर काट कर रेडी रखे हैं। अंडे और छोले उबल चुके हैं। अभी हम कर लेंगे छोला बनाने की तैयारी। और ये अंडा भजिए का मिक्सर भी रेडी है। छोले बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे एक टोप में तेल। उसमें डाल लेंगे हम अपने लंबे कटे हुए बारीक प्याज और डाल लेंगे हरी मिर्ची। इन दोनों को थोड़ी देर चला लेंगे। इसमें डाल लेंगे हम अब कड़ी पत्ता। अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर पका लेंगे। और फिर इसमें अपने टमाटर को भी डाल लेंगे। टमाटर को भी मैंने बारीकी काटी हूँ, ज़्यादा मोटा नहीं रखी हूँ। अभी हम इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। इसमें हम डाल लेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से पका लेंगे। और फिर हम इसमें अपने कांदे का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसे भी हम सारे मसालों के साथ अच्छे से पका लेंगे। अभी हम इसमें डाल लेंगे नमक और डाल लेंगे अपने छोले और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डाल लेंगे छोले मसाले का पाउडर। और डाल लेंगे गरम मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। छोले ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसमें डाल लेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। और अब ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार है हमारे छोले। छोले हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हम कर लेंगे अपने अंडे की भजी को फ्राई। इसका बैटर मैंने पहले से ही रेडी कर ली थी। अभी बस इसको तेल में तल लेंगे। बारीक काट कर भी मैंने रख लिए थे। इसकी डिटेल वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आज की इफ्तारी में हम यही दो चीज़ें बना रहे हैं और फ्रूट्स भी है। भजिए भी हमारी फ्राई हो चुकी है और छोले भी हम हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम सब बैठ जाएंगे इफ्तारी करने के लिए। ये अम्मी छोले उतार रहे हैं और भजिए भी फ्राई हो चुकी है। इफ्तारी रेडी हो चुकी है, फ्रूट्स भी कट कर रेडी हो चुके हैं। अब हम सब बैठ जाएंगे दस्तरखान बिछा कर रोज़ा खोलने के लिए। सबसे पहले हम सब पढ़ लेंगे रोज़े के पहले की दुआ और अपनी इफ्तारी कर लेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ।